हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इससे पहले कुछ वीडियो में मैं आपको इंग्लिश में एरर के पार्ट करा चुका हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी मैं आपको इंग्लिश के एरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगा, जिन्हें मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताऊँगा। फ्रेंड्स, चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है एरर से रिलेटेड है दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन है, मैनी अ मैन हैव बिन वर्किंग अंडर मी। फ्रेंड्स देखिए इसमें किस पार्ट में एरर है मैं आपको बता देता हूँ। बी वाले पार्ट में एरर है। क्या एरर है मैं बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैनी मैनी के बाद ए जब भी आएगा, मैनी के बाद ए जब भी आएगा तो इसका यूज एज ए सिंगुलर होता है, एज ए सिंगुलर होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब इसका यूज एक सिंगुलर की तरह होता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आनी चाहिए। तो हैव की जगह पे हम हैज़ का यूज करेंगे दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा हैज़ बीन। मैनी अ मैन हैज़ बिन वर्किंग अंडर मी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो किस पार्ट में एरर है? एरर बी पार्ट में है, तो हैव की जगह पे हैज हो जाएगा। कब? जब मैनी ए का यूज होगा दोस्तों। ए मतलब एक, और मैनी के साथ जब ए आ जाएगा तो उसका मतलब सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैनी के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुल्ली। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कौन से पार्ट में एरर है मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आप खुद से ज़रूर वीडियो को पास करें, खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए फ्रेंड्स, किस पार्ट में एरर है? पार्ट सी में एरर है। क्या एरर है? देखिए फ्रेंड्स, डिटेल्स में नहीं होता है, डिटेल्स नहीं लिखते हैं हम लोग, डिटेल लिखते हैं। यस को यहाँ से इरेज करेंगे दोस्तों, यस को यहाँ से गायब करेंगे दोस्तों। ये डिटेल्स नहीं होता, डिटेल होता है। जैसे इंफॉर्मेशंस नहीं हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, इन सीनरीज नहीं होता है, उसी तरह डिटेल्स नहीं होता है, डिटेल होता है फ्रेंड्स। ठीक है, डिटेल होता है, तो इन डिटेल होगा ना कि डिटेल्स, तो डिटेल्स यहाँ पे गलत है फ्रेंड्स, डिटेल यहाँ पे गलत है, इसके जगह डिटेल का यूज होगा। यस हटा देंगे यहाँ से, और बाकी सब इसमें सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पार्ट सी में एरर है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यह है, डिफरेंट अथॉरिटीज़ डिफाइंस इंटेलिजेंस इन डिफरेंट वेज। फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या एरर है। अथॉरिटीज़ क्या है दोस्तों? प्लूरल है, अथॉरिटीज़ प्लूरल है। ठीक है फ्रेंड्स, अथॉरिटीज़ जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल के साथ दोस्तों अगर डिफाइंस जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, देखिए दोस्तों वर्ब में जब सिंगुलर वर्ब जब दोस्तों जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तब क्रिया में यस या यस लगता है। लेकिन दोस्तों अथॉरिटीज जो है प्लूरल है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ दोस्तों प्लूरल के साथ हम सब वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाते हैं दोस्तों, तो डिफाइंस की जगह पे डिफाइन रहेगा दोस्तों। यस को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी सब यहाँ पर सही है। तो रहेगा डिफरेंट अथॉरिटीज डिफाइन इंटेलिजेंस इन डिफरेंट वेज। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यह रहा, द ओल्ड मैन टोल्ड हिज सन्स दैट देयर वॉज नो सच थिंग लाइक लक। देखिए फ्रेंड, इसमें किस पार्ट में एरर है मैं आपको बता देता हूँ। डी पार्ट में एरर है। क्या एरर है? देखिए फ्रेंड्स, एक वर्ड होता है सच, सच यहाँ पर है, इसके बाद हम एज का यूज करते हैं। वी कैन यूज एज विथ सच, एज या फिर दैट का, लेकिन दोस्तों दैट का यहाँ पर कोई सेंस नहीं आ रहा है, तो एज का यूज करेंगे। लाइक की जगह पर हम क्या किसका यूज करेंगे? एज का। तो दोस्तों सेंटेंस हो जाएगा, द ओल्ड मैन टोल्ड हिज सन्स दैट देयर वॉज नो सच थिंग एज लक। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइक की जगह पर एज का यूज़ होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एवरी वन नोज दैट टाइगर इज फास्टर ऑफ ऑल एनिमल्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें किस पार्ट में एरर है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें डी पार्ट में एरर है। डी वाले पार्ट में क्या एरर है? ठीक है दोस्तों, फास्टर फास्टर जो है यहाँ पे दोस्तों एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में ईआर लग गया तो कंपेरेटिव की तरह काम कर रहा है दोस्तों। तो फास्टर जो है कंपेरेटिव की तरह कार्य कर रहा है, और कंपेरिजन वाले वर्ड के बाद दैन का आना जरूरी है दोस्तों, दैन का आना जरूरी है। तो यहाँ पे रहेगा दोस्तों, एवरी वन नोज दैट द टाइगर इज फास्टर दैन दोस्तों इसके बाद एनी अदर एनिमल्स। अब दोस्तों दैन तो आ गया यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन एनी अदर क्यों आ रहा है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे रहेगा ऑल एनिमल्स इज द टाइगर इज़ फास्टर दैन ऑल एनिमल्स, तो दोस्तों ऑल एनिमल में
टाइगर भी तो इंक्लूड हो जा रहा है, टाइगर भी तो आ जा रहा है, तो वो खुद से तेज तो हो नहीं सकता दोस्तों, तो उसके लिए वो अन्य जानवरों से तेज होगा ना दोस्तों, कंपेरिजन अन्य जानवरों से होगा, खुद से तो होगा नहीं। इसका मतलब हम देन एनी अदर करेंगे दोस्तों, बात समझ में आया दोस्तों? तो देखिए क्या इसमें मैंने आपको क्या बताया, फास्टर के बाद हम देन का यूज़ तो करेंगे दोस्तों कंपेरिजन के लिए, फास्टर के बाद देन का यूज करेंगे, लेकिन दोस्तों देन के बाद हम इसमें एनी का, एनी अदर एनिमल्स का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों वह खुद से तेज नहीं हो सकता दोस्तों, क्यों? अगर यहाँ पे आल रहेगा, आल एनिमल्स से कंपेरिजन करेंगे, उसमें तो खुद भी आ जा रहा है, तो खुद से थोड़े कंपेरिजन होगा। अब दोस्तों आप कहेंगे कि कंपेरिजन तो दो लोगों के बीच होता है, दो लोगों के बीच, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कंपेरिजन दो ग्रुप्स के बीच हो सकता है, जैसे एक इंसान हो गया और एक ग्रुप हो गया दोस्तों, अगर एक जंतु हो गया, एक क्रीचर हो गया, तो एक ग्रुप, क्रीचर्स का ग्रुप, इसके बीच भी कंपेरिजन हो सकता है, दो ग्रुप्स के बीच कंपेरिजन हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 वाला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों। साक्षी रोट एन एसे सो वेल दैट हर टीचर वॉज वेरी प्लीज्ड विथ हर। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या एरर है, इसमें ए पार्ट में एरर है। क्या क्या एरर है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ आपको आई रेड द बुक, आई रेड अ बुक, अ बुक सो वेल। फ्रेंड्स मैं आपको यह बोलूं कि मैंने ये किताब बहुत अच्छे से पढ़ी, दैट दैट माई टीचर वॉज प्लीज्ड विथ मी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ए का यूज हुआ है, आई रेड अ बुक सो वेल, दोस्तों जो ए का यूज हुआ है वहाँ पे ए का यूज नहीं करेंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि बुक अब जो पार्टिकुलर हो चुका है दोस्तों, जब सो वेल का यूज हो गया है तो वो बुक पार्टिकुलर हो चुका है, तो इसलिए हम ए का यूज ना करके दोस्तों द का यूज करेंगे। उसी तरह देखिए मैंने क्या बताया दोस्तों, आई आई रेड अ बुक सो वेल दैट माई टीचर वॉज प्लीज्ड विथ मी दोस्तों। ठीक है, तो मैं अगर ऐसा ऐसा कुछ सेंटेंस लिखूं तो उसमें दोस्तों जब सो वेल आ गया, जैसे आई रेड अ बुक सो वेल, जब दोस्तों सो वेल आ गया तो बुक जो है पार्टिकुलर हो चुका है दोस्तों, बुक क्या हो चुका है, पार्टिकुलर हो चुका है। तो जब पार्टिकुलर हो चुका है तो इससे पहले हम द का यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ए को हम रिमूव कर देंगे। उसी तरह इस वाले में भी देखिए, साक्षी रोट एन एस्से सो वेल, देखिए दोस्तों सो वेल आ चुका है, यानी कि एस्से क्या हो चुका है, पार्टिकुलर हो चुका है, इसलिए एस्से से पहले हम द का यूज़ करेंगे, ना कि एन का, एन का यूज नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, सो वेल अगर नहीं आता तो हम एन का यूज कर सकते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यह रहा, द कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाई मोर देन 100 डेलीगेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए डेलीगेट्स का मतलब होता है प्रतिनिधियों के द्वारा, प्रतिनिधि। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कॉन्फ्रेंस को 100 से ज़्यादा प्रतिनिधियों के द्वारा अटेंड किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें क्या एरर है, देख रहे हैं, द कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड, यहाँ तक तो ठीक है। बाई, देखिए वाज अटेंडेड यानी कि पैसिव हुआ है, पैसिव वाज लग गया, क्रिया का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बाई लगा है, और सब्जेक्ट देखिए दोस्तों एक से अधिक, मतलब 100 से अधिक प्रतिनिधियों के द्वारा, यानी कि दोस्तों इसमें कोई एरर नहीं है, यह बिल्कुल क्लियर सेंटेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह बिल्कुल सही है, तो नो एरर वाला पार्ट सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, इस वाले में, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रीड। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके आपने मेरी मेरी पहली कुछ वीडियो को देखा होगा तो आप इस एरर को कर पाते हैं अच्छे से। देखिए इसमें क्या एरर है दोस्तों, यहाँ पर सी वाले पार्ट में एरर है। क्या एरर है? ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया जब भी वन ऑफ का यूज होता है तो उसके बाद जो आने वाली नाउन होती है दोस्तों, उसका यूज हम प्लूरल में करते हैं, प्लूरल में करते हैं दोस्तों। वन ऑफ के बाद कौन सी नाउन आई है, बुक आई है दोस्तों, बुक को हम बुक्स लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बुक्स लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें किस पार्ट में एरर है, एरर सी पार्ट में है, बुक्स हो जाएगा। ले फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राम वाज हैप्पी दैट रीता एंड हर सिस्टर वाज गोइंग बाई द सेम ट्रेन बाई द नेक्स्ट डे। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको आराम से कर पाएंगे। इसमें बी पार्ट में एरर क्या है, देखिए रीता एंड हर सिस्टर, ये दो लोग हो गए दोस्तों, दो लोग हो गए, और दो लोग के साथ वाच का यूज होगा नहीं, वेयर का यूज होगा, वेयर का यूज होगा, तो दोस्तों वाच की जगह वेयर का यूज करेंगे, तो बी पार्ट मेरा है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आखिरी क्वेश्चन है।
देखिए दोस्तों, द ओनली क्राइटेरिया टू जज अ पर्सन इज़ टू ऑब्जर्व हिज बिहेवियर। देखिए फ्रेंड्स, क्राइटेरिया जो होता है दोस्तों, क्राइटेरिया मानदंड, मानदंड जो होता है एज या प्लूरल का सेंस देता है दोस्तों, प्लूरल का ये सेंस देता है। इसका सिंगुलर क्या होता है दोस्तों, देखिए अब इसे हम कह रहे हैं प्लूरल की तरह क्यों यूज हुआ है दोस्तों, प्लूरल की तरह यूज हुआ है तो इसके बाद इस तो आएगा नहीं दोस्तों, और एक ही, और अगर आर का यूज करें दोस्तों इसकी जगह पे, अगर हम क्राइटेरिया को एज ए प्लूरल मान लें ठीक है, और इसकी जगह पर अगर हम आर का यूज कर लें दोस्तों तब तो बात सही हो जाती है, लेकिन दोस्तों आर का यूज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे वन लगा है, सिर्फ एक क्राइटेरिया की बात हो रही है दोस्तों, क्राइटेरिया सिंगुलर नहीं हो सकता दोस्तों। यहाँ पे इज का प्रयोग तो सही है, लेकिन क्राइटेरिया को हम सिंगुलर बनाएंगे दोस्तों, क्राइटेरिया का सिंगुलर सिंगुलर होता है क्राइटेरियन, क्राई क्राइटेरियन दोस्तों, क्राइटेरियन होता है दोस्तों, क्राइटेरिया का मापदंड दोस्तों होता है ठीक है। तो क्राइटेरिया की जगह पर क्राइटेरियन का यूज़ करेंगे, क्राइटेरियन दोस्तों, CRITERION, क्राइटेरियन दोस्तों ठीक है। तो द ओनली क्राइटेरियन टू जज अ पर्सन इज़ टू ऑब्जर्व हिज बिहेवियर। तो दोस्तों किस पार्ट में रहे, ए पार्ट में रहे, तो ए पार्ट हमारा सही हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे आपको, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।